मानसी, ये बंटी कहाँ दिखाई नहीं दे रहा? जी बंटी अब तक स्कूल से नहीं आया है। स्कूल से नहीं आया? काफी टाइम हो गया, अब तक तो आ जाना चाहिए था उसको। जी जी मैं उसे लाना भूल गई। डोंट वरी, मैं हूँ ना। तुम एक काम करो, तुम बंटी के स्कूल जाओ, मैं उसके दोस्तों का फोन करता। हाँ मैं उसे स्कूल में ढूंढती हूँ। हेलो प्रमिला भाभी, हमारा बंटी है क्या वहां पे? नहीं है। थैंक यू। कहाँ जा सकता है बंटी? झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना पाप है। बंटी? यस मैम। कितने बार लिख चुके मैम? 70 टाइम्स। झूठ मत बोलना मैम। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और झूठ बोलने की कोशिश भी कर रहा हूँ तो नहीं बोल पा रहा हूँ मैम। मैं सच कह रहा हूँ 70 टाइम्स। ओके लिखते रहो, अभी भी 30 बार लिखना बाकी है। बंटी, हे भगवान, बंटी तुम घर क्यों नहीं आए? क्या हो गया तुम? और ये क्या लिख रहे हो? मैम ने कहा था कि 100 बार लिखो, झूठ बोलना पाप है। अच्छा, टीचर है या हिटलर है? क्यों बोला ऐसे? कहाँ है मैम, बता दो कहाँ है? मैं यहाँ पर। हाय, मैं हूँ उसकी टीचर हिटलर। गुड मॉर्निंग मैम। इवनिंग है। अच्छा ठीक है, गुड इवनिंग टीचर, कैसी हैं आप? आपको पता है बंटी आपकी बहुत तारीफ करता है, वो तो कहता है कि आपसे अच्छी टीचर स्कूल में है ही नहीं, है ना? मासी झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं तो हमेशा कहता हूँ इनसे बुरी टीचर कोई है ही नहीं। अब भी कुछ कहना है? अच्छा टीचर जी, आप बंटी से ये क्यों लिखवा रही हैं? इसने कौन सा झूठ बोला है? ये क्लास के बच्चों की मुझसे झूठी शिकायत कर रहा था। नहीं नहीं टीचर, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बंटी जो भी बोलता है ना सच्ची बोलता है ना? मैंने पूरी क्लास से बात की, पूरी क्लास एक तरफ और ये अकेला एक तरफ। इसका पुराना रिकॉर्ड भी झूठ बोलने का रहा है, आप चाहे तो दूसरे टीचर से कंफर्म कर सकती हैं। हे भगवान, इसने तो आज से ही सच बोलना शुरू किया है। अच्छा टीचर जी, इसकी तरफ से ना मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मैं इसे ले जाऊँ। ठीक है, पर बंटी याद रखना झूठ बोलना पाप है। मैम मैं वो ही तो कह रहा हूँ। ठीक है थैंक यू चलो। ये अब तक रिक्शा क्यों नहीं आई? मासी हाँ? मैंने पूरा दिन एक भी झूठ नहीं बोला, फिर भी मुझे सजा मिली। बंटी सच बोलना अच्छी बात होती है, लेकिन किसी की चुगली करना बुरी बात। मासी मैंने चुगली नहीं की थी, मैंने तो सच बोला था। क्या जरूरत थी बिंदु भाभी को मोटा कहने की? हाँ मासी वो मोटी नहीं है, अगर फ्लावर को फ्लावर नहीं कहूँगा तो क्या शावर कहूँगा? किसी को फ्लावर कहना और मोटा कहना दोनों में डिफरेंस है ना? अच्छा तो आप ही बताओ कि सच कहने में और चुगली करने में क्या डिफरेंस है? और हमेशा आप ही तो कहते हो कि सच बोलना अच्छी बात होती है, तो फिर मुझे पनिशमेंट क्यों मिली? बंटी कितने सवाल करते हो, चुप रहो। 1, 2, 3 जो बच्चा सच बोलेगा उसको मिलेगा आइसक्रीम फ्री। 1, 2, 3 यस, फिर तो मेरे लिए आइसक्रीम फ्री है। मुझे भी अंकल एक आइसक्रीम चाहिए क्योंकि मैंने सच बोला। ये लो बेटा तुम्हारे सच बोलने का इनाम, ये लो आइसक्रीम, वहाँ जाके खाओ जा। अरे बहन जी आपको भी दूंगा फ्री का आइसक्रीम। बाऊ जी आप ही है ना? आप ऐसे? बहू तेरे बंटी को सच बोलने का इनाम देने के लिए आया हूँ। तुझे खुशी हुई कि नहीं? हुई ना बाऊ जी, बहुत खुशी हुई। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि माँ जी मेरी फ्रेंड बन गई है, और ये तो बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हैं। लेकिन बाऊ जी मैं सोच रही थी कि ये सब तो जादू है ना, हमेशा तो रहेगा नहीं। अब बेटा देखा जाए तो जिंदगी एक जादू ही तो है, विश्वास करो तो मौज करो वरना कुछ और करो। फिर क्या, वैसे भी दुनिया में इंसान हमेशा तो नहीं रहता है, लेकिन जब तक है तब तक खुश रहना चाहिए, खुशियाँ बटोरनी चाहिए। किसी ने क्या खूब कहा है ना, If you have come to this world, you must enjoy. What is the point of always doing hi hi? बाऊजी ये तो बहुत अच्छा है, किसने कहा है?
थे एक स्वर्गीय जादूगर दीनानाथ चौहान। अच्छा अच्छा अंकल आ रहे आइसक्रीम। कहाँ गए? चले गए। चलो रिक्शा नहीं मिल रही है, पैदल चलना है। Right. How are looking? अरे वाह, आप इतनी जल्दी उठ गए? आपको पता है मैंने तो ब्रेकफास्ट भी रेडी नहीं किया और लंच भी रेडी नहीं है। Never mind, baby, never mind. तुम तो जानती हो आज हम शूटिंग कर रहे हैं और जहाँ शूट कर रहा हूँ उसके बैंक अपोजिट एक 5-star होटल है, वहीं ब्रेकफास्ट लंच डिनर कर लेंगे, never mind. सुनिए, क्या बात है, आज आपने डिसीजन खुद ले लिया, वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। स्वीटहार्ट, क्या है कि इंसान को जिंदगी में मोटिवेटेड होना चाहिए, उसका जिंदगी में गोल होना चाहिए। गोल? नहीं, ये गोल नहीं, ये गोल नहीं। यू हैव टू बी फोकस, फोकस, राइट, फोकस, राइट। जी सुनिए, राइट, तैयार तो होके जाइए ना, ऑफिस के कपड़े तो पहन के जाइए। बेबी स्वीटहार्ट, ये ऑफिस के कपड़े हैं? तुम्हारा पति एक एजेंसी में काम करता है, किसी मामूली दफ्तर में नहीं, राइट? कम है बेबी। सो स्वीट बेबी। इतना लाउड म्यूजिक, माजी आपकी पूजा का टाइम हो गया है। वो पूजा का टाइम तो हो गया है, लेकिन मेरा अभी टाइम, मेरी अभी उम्र नहीं हुई है ना पूजा की। मनु, and please don't call me माजी। Oh my God, I'm getting late। आप कहीं जा रही हैं? हाँ हाँ, मेरी एड फिल्म की शूटिंग है, you know। शावर लेके आती हूँ। एड फिल्म की शूटिंग? भगवान, जब पहले माजी सुबह सुबह उठ के पूजा करती थी तो घर का माहौल कितना पॉजिटिव हो जाता था, पता नहीं वो सब कब देखने को मिलेगा। भाभी। हाँ? भाभी आशीर्वाद दीजिए। भाभी आज मेरी शूटिंग का पहला दिन है। ऑल द बेस्ट। अजय तुम सब ठीक से संभालोगे ना? भाभी आपको मेरी काबिलियत पे भरोसा नहीं है? नहीं नहीं है ना, है। That's like my भाभी। Don't worry भाभी, I will rock। Bye। तो नहीं आगे क्या होने वाला है? और उसके बाद क्या हुआ प्रमिला पता है? जब आंटी आई, oh I'm so sorry। जब सुश आई ना, हम दोनों की तो छुट्टी हो गई। सच? पूछो ना मानसी से। बस, मैंने तो तय कर लिया है कि मैं भी आज के बाद एरोबिक क्लास ज्वाइन करने वाली हूँ। मगर ज्वाइन करने से पहले ये बात जरूर मालूम कर लेना कि क्लासेस ग्राउंड फ्लोर पे हो। क्यों? अगर क्लास फर्स्ट फ्लोर पे हुई तो क्या हो जाएगा? क्लासेस नीचे आ जाएगी। प्रमिला यू, अरे गर्ल्स, हाय ऑन, आई मीन सुश। देवा आंटी, ये आप हैं? ये मैं हूँ ही नहीं, क्योंकि मैं आंटी नहीं हूँ, मैं हूँ सुश। मनु डार्लिंग जी, मैं शूटिंग पे जा रही हूँ, एक आदमी फॉर्म लेके आएगा, वो तुम रख लेना। कोई पेंशन का फॉर्म है क्या सुश? जो लोग फुल फॉर्म में होते हैं वो पेंशन नहीं लेते, दूसरों को टेंशन देते हैं। और ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट का फॉर्म है, ब्यूटी ऑफ इंडिया। सुश, वैसे अगर ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट में मानसी पार्ट लेने वाली है तो इट्स अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी। ब्यूटी कॉन्टेस्ट में मैं पार्ट ले रही हूँ। What? I'm a Barbie girl। मुझे तो एहसास ही नहीं हुआ कि आंटी थी या मानसी की छोटी बहन।
वो क्या है ना, माँ जी तो मजाक कर रही थी। नो स्वीटी, सबसे पहले मैं मजाक नहीं कर रही थी, और दूसरी बात ये है कि मैं माँ जी नहीं हूँ, सियापति रामचंद्र की जो है। मानसी, ये हो क्या रहा है? ये अब मैं क्या करूँ, मेरी सास है ही इतनी खूबसूरत, तो मैं क्या करूँ ना। नीचे नीचे नीचे, धीरे 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 धीरे, हाँ नीचे नीचे, शाबाश शाबाश, बस बस, ये है हमारा फाइनल शॉट। ओके गुड। अरे ये क्या हो रहा है, सुबह से शॉट शॉट ही तय हो रहा है क्या? रोल कब करोगे, रोल कब करोगे तुम? शांति। अरे क्या क्या लिख रहे हो ये? अरे स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। लिख रहे हो? अरे स्क्रिप्ट नहीं होगी तो शूटिंग नहीं होगी ना। स्क्रिप्ट ऑलरेडी क्लाइंट अप्रूव कर चुका है। अगर क्लाइंट के अप्रूवल से शूटिंग हुआ करती तो राइटर और डायरेक्टर का नाम नहीं आता, क्लाइंट का नाम आता। और क्या भैया स्क्रिप्ट लिखी है? जो स्क्रिप्ट मैं लिखूंगा वो फाइनल होगी। ये तुम्हारी घटिया फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये एक्ट फिल्म है। यहाँ वही शूट होता है जो क्लाइंट अप्रूव करता है। विजय भैया, राज कूल इट, राज कूल इट, कूल इट, ब्रीद इन ब्रीद इन। छपता तो राज प्रोडक्शंस। मेरी वैनिटी वैन का एसी क्यों नहीं चल रहा है? वो देखिए, आप देखिए ये मेरा कॉस्ट्यूम किसने डिजाइन किया, कौन है डिजाइनर? माजी, माजी सुश, और सुश को जूस चाहिए। देखो जब तक ये सब कुछ नहीं आ जाता मैं शूटिंग नहीं करूँ। मगर मेकअप जी, अभी तक शूट शुरू क्यों नहीं हुआ? बताता हूँ, दो प्रॉब्लम। एक तो ये अजय जो आपके पीछे खड़ा है, जिसको फिल्म मेकिंग के बारे में कुछ नहीं पता है, और ये जनाब अपनी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। और दूसरी आपकी माता जी, जो अपने आप को बहुत बड़ा स्टार समझ रही हैं, इतने टैंट्रम शो कर रही हैं, इतने। विजय मैं ये बात बॉस को बतलाने वाला हूं, आई एम टेलिंग यू। एक्सक्यूज मी, आपका बॉस कौन है? आप अपने बॉस से बात कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग टू योर बॉस। और तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा, और मैं वही कहूंगा जो मैं चाहूंगा। गौरव चाय चाय लेके हमारे लिए, ग्रीन टी, राइट? सुनो इधर, आज ये कंपनी चल रही है, तुम्हारे घर में दाल रोटी पक रही है, तुम्हारे बीवी बच्चे पल रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ मी, मेरी वजह से, विजय दीनानाथ चौहान की वजह से। कम ऑन मूव इट, मूव इट। हे मोरन, अब खड़े खड़े मेरी शक्ल मत देखो, कम ऑन मूव इट, डू समथिंग फॉर गॉड्स सेक। इस एनर्जी टैबलेट की जरूरत सबसे पहले मुझे पड़ने वाली है। हे भगवान, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। अजय, माजी और वो सब एक साथ है, वो भी सब अपने कैरेक्टर से बाहर है। जी आपने तो मुझे डरा ही दिया था। अब बेटा स्वर्गवासी आदमी में अगर इतनी भी पावर ना हो तो फिर फायदा क्या है? बाबूजी आपके पास तो बहुत पावर है। वैसे हाँ, मैं तो सोच रही थी कि आप शूटिंग पर होंगे, अपने शिष्य को देख रहे होंगे। वहीं से आ रहा हूँ बेटा, वहीं से आ रहा हूँ। बहुत गड़बड़ है, लता के अंगूठी के जादू से रेजोल्यूशन को पूरा करने में थोड़ी जल्दी हो गई। और वैसे भी अगर किसी आदमी को कुछ बिना मेहनत किए मिल जाए ना तो थोड़ी सी गड़बड़ हो ही जाती है। अजय को देखो, अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा डायरेक्टर समझने लगा है, और विजय खामखा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है। तो तेरी सास, मेरी बीवी यानी कि सुश, वो तो ऐसी खुश हो रही है, वो तो खामखा मोर पंख लगाकर कौवे की तरह काए काए कर रही है। अरे मुझे डर है उसका बीपी ना बढ़ जाए कहीं। हे भगवान, जिस बात का डर था वही हुआ। बाबूजी अब मैं क्या करूं? एक काम करते हैं बेटा, हम दोनों वहां चलते हैं और डैमेज होने से पहले डैमेज कंट्रोल कर लेते हैं। जी बहू जी, चलिए चलिए। कहाँ जा रही है बहू, कहाँ जा रही है? क्यों? गेट की तरफ हुआ पड़ते हैं, जिनके पास जादू से गायब होने का गेट वे नहीं होता। जी बहू जी, फिर मैं कहीं और पहुंच गई तो? मैं हूँ ना, जादू मंत्र बोल तो सही। ठीक है,
रिंग रॉन्ग रिंग, हम इनकी शूटिंग पर पहुंच जाए। रिंग रॉन्ग रिंग। लेकिन जब तक मेरा एसी ठीक नहीं होगा मैं नहीं आऊंगी। और प्लीज ये मेकअप मैन को बदलो कोई। ये मेकअप मैन है कि पेंटर? मेरे चेहरे को दीवार समझा, ऐसे लंबे लंबे ब्रश मार रहा है। मैम आपकी वैनिटी का एसी ठीक हो गया। थैंक्स जीजस। अब मैं थोड़ी देर आराम करूंगी, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। आई हैव टू कूल। कैमरा यहीं लगेगा बस। सर 50 एड का एक्सपीरियंस है सर। सर कैमरा वहां पे लगेगा सर, वहां से एंगल बिल्कुल सही आएगा, यहां से एंगल बिल्कुल सही नहीं आ रहा सर। कैमरा वहां पे लगाओ। डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर कौन है? मैं हूं ना, तो कैमरा यहीं लगेगा बस। जी मेरी कॉफी का है। वेयर इज माय कॉफी? सर आपके हाथ में तो है सर। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कॉफी मेरे हाथ में? इडियट कहीं के। ठंडी कॉफी मैं पीऊंगा, ठंडी कॉफी। Get a fresh coffee, come on. और सुनो, अगर इस कंपनी में काम करना है तो ठीक से करना है, वरना आउट। लैब आकर निकाल दूंगा इडियट कहीं के। मूव इट एवरीबॉडी, कम ऑन। देखा देखा, देख रहा हूँ बाबूजी, यहाँ देखा। मेरे सीधे साधे प्यार से बात करने वाले हस्बैंड ऐसे चेंज हो गए। मेरी बेचारी सासू माँ जो दिन रात सिया पति रामचंद्र जी की जय बोलती थी, आज थैंक्स जीजस बोल रही है। और ये मेरा प्यारा देवर इतनी टेंशन में है। कैमरा यही लगेगा, मैं क्या करूं? आइए आइए आइए, आप आइए आइए। बॉस बॉस आए। वो खड़ा सर, वो खड़ा सर, वो खड़ा। तुम सच कह रहे हो ना? बिल्कुल सच कह रहा हूँ सर, कसम से कह रहा था कि वो कंपनी का बॉस है, कंपनी उसकी वजह से चलती है, हमारे बच्चे उसकी वजह से पलते हैं। अच्छा? हाँ सर। अगर तुम्हारी बात सच निकली ना तो मैं उसको खड़े खड़े नौकरी से निकाल दूंगा। प्लीज डू द ऑनर्स सर। काम चोर तुम यहाँ पे काम करने आते हो, सोने आते हो? सॉरी सर। ठीक से काम करो वरना आउट कर दूंगा, समझे? आउट 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 आउट। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.